सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg, ठीक है, ये हो गया सॉलिड स्फीयर, मास है 2 kg का, मेकिंग प्योर रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके। तो अगर ये v से जा रहा है तो दिस शुड बी v बाय r, क्योंकि v बाय r ओमेगा होता है किसमें, प्योर रोलिंग में। विथ काइनेटिक एनर्जी एज 2240 जूल, द वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल मास ऑफ द स्फीयर विल बी हाउ मच, तो इसको v रख लेते हैं, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास टू, बेसिकली टोटल टोटल एनर्जी क्या होता है, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो दिस बिकम्स हाफ इंटू मास इज टू, ठीक है, ये हमको नहीं पता है वी स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू इट इज सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 एम दैट इज 2 kg इंटू आर स्क्वायर, है ना, और ओमेगा, अब ओमेगा क्या है, वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर घट गया, है ना, और ये सारा कुछ केवल वी स्क्वायर के टर्म्स में आ गया, सो दिस इज 2240, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सो दिस बिकम्स 7/5 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2240, तो v स्क्वायर बिकम्स 2240 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 0, सो दिस इज एक्चुअली 1600, तो v बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, सो 40 इज द आंसर।